टेंडर्स महाराष्ट्र, ये टेंडर डिटेल है। इसमें बेसिक डिटेल, पेमेंट, टेंडर फी, वर्क आइटम डिटेल, क्रिटिकल डेट्स, टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी, ऐसी सारी चीजें होती हैं। एक तरीके से ये समरी है टेंडर के ताल्लुक से। तो आज हम ये देखेंगे कि टेंडर डिटेल को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो आज का हमारा दो टॉपिक है। एक तो हमें डाउनलोड कैसे करते हैं टेंडर डिटेल को, ये देखना है, और फिर ये टेंडर आईडी का इस्तेमाल करके पेमेंट कैसा करते हैं ये देखना है। उसके साथ साथ हम लॉगिन करना भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्लिक किया जा सकता है या फिर पहले टेंडर आईडी को कॉपी किया जा सकता है, दोनों काम कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से देख लेते हैं, व्यू मोर डिटेल, इस पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो टेंडर आईडी है, अगर मैं इस पे इस तरीके से डबल क्लिक करूँ तो इतना ही सिलेक्ट होता है, लेकिन ट्रिपल क्लिक करो तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल सी करेंगे, उसके बाद यहाँ प्रिंट है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो प्रिंटर है वो पीडीएफ का होना बहुत जरूरी है, कोई भी प्रिंटर हो लेकिन पीडीएफ का होना जरूरी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रिंट, कंट्रोल वी करेंगे, इसे डेस्कटॉप पे सेव करना है मुझे तो सेव करेंगे। ये देखो यहाँ डेस्कटॉप है, अगर यहाँ डेस्कटॉप नहीं दिखाई दे रहा तो इस पर डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाई देता है। जैसे मैं डिस्टर्ब करके बताता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ ये क्लिक किया तो देखो डी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूँ तो यहाँ डेस्कटॉप दिखाई देगा। सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसे क्लोज किया जा सकता है, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। इसे डबल क्लिक करके देखते हैं, तो ये जो पेज था ये तकरीबन दो पेज होते हैं, तो देखो ये दो पेज यहाँ पर दिखाई देते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जूम इन हो जाता है। इसे खास तौर से इसलिए डाउनलोड किया जाता है कि बार बार वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं और हम इसे आसानी से देख सकते हैं। तो हमें पेमेंट करना है तो हमें इस टेंडर डिटेल से सिर्फ आईडी की ज़रूरत अभी पड़ने वाली है। ये होम है, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहला काम है लॉगिन करना। तो लॉगिन करने से पहले हमें डीएससी का जो ई टोकन है वो इंसर्ट कर लेना होता है, जो कि मैंने इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास लॉगिन आईडी होना चाहिए और पासवर्ड होना चाहिए। वो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है, कंट्रोल वी, ये पासवर्ड है, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, उसके बाद ट्रिपल क्लिक, ये सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी, उसके बाद कैप्चा फिल कर देते हैं। ये तीनों चीजें अच्छी तरीके से चेक करने के बाद प्रोसीड करना होता है, या फिर इंटर भी कर सकते हैं। मैं प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पर लॉगिन बटन आना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हमारा अगला काम शुरू हो सकता है। लॉगिन बटन पे सिंगल क्लिक करेंगे, यहाँ पर ई टोकन का पासवर्ड डालना होता है, ई टोकन का पिन डालना होता है। मेरे केस में 1 से 8 है, मैं उसे टाइप कर देता हूँ। जैसे ही टाइप किया जाएगा देखो ये लॉगिन बटन इनेबल हो जाता है। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक भी किया जा सकता है और इंटर भी किया जा सकता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब हम मेन पेज पे आ चुके हैं। अब हमें टेंडर सर्च करना होता है, तो टेंडर सर्च करने के लिए सबसे पहले हमें आईडी मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, उसके बाद कंट्रोल सी, सर्च एक्टिव टेंडर्स, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्च के और भी चीजें हैं, लेकिन ये सबसे आसान और इजी तरीका है। तो यहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी करेंगे, सर्च, ये चेक बॉक्स को चेक करने के बाद इस बटन पे क्लिक करना है।
उसके बाद माय टेंडर्स, ये जो पहला टेंडर है जैसे ही हम फेवरेट करते हैं तो वो ऊपर ही आता है। जैसे एक के बाद अगर बहुत सारे टेंडर आप फेवरेट कर रहे हैं तो वो सीक्वेंस से ही आते हैं, जो आखिर में किया रहेगा वो सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद इस तरीके से रहता है। अगर मैं अभी कोई दूसरा टेंडर को इस तरीके से ऐड करूंगा तो वो इसके ऊपर आएगा। इसे अच्छी तरीके से चेक करने के बाद व्यू करना होता है, क्योंकि बहुत सारे टेंडर रहेंगे तो परेशानी हो सकती है। इस पर एक सिंगल क्लिक करते हैं, उसके बाद प्रोसीड फॉर बिड सबमिशन, यहां पर मैं टिक कर देता हूं नेक्स्ट नेक्स्ट। टेंडर आईडी, नेम ऑफ वर्क और पेमेंट अच्छी तरीके से चेक कर लेना होता है, उसके बाद पे ऑनलाइन। ये रेडियो बटन को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट सबमिट। यहाँ पर दो ऑप्शन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अदर बैंक, तो मेरे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो इस बटन पे क्लिक करता हूँ मैं। एक सिंगल क्लिक किया मैंने, यूजर आईडी, यहाँ पे यूजर आईडी डालना होता है, पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड डालना होता है, उसके बाद लॉगिन। यहाँ पे रीसेट का भी एक बटन दिया हुआ है, ये कीबोर्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। कंफर्म, यहाँ पर पासवर्ड डालना होता है, इंटर हाई सिक्योरिटी पासवर्ड, यहाँ पे ओटीपी डालना होता है, उसके बाद कंफर्म करना होता है। उसे आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, कंफर्म। यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे,